झारखंड में दूसरे फेज का रन तैयार हो चुका है। चुनाव प्रचार के अंतिम दो दिन बचे हैं। कल शाम 5 बजे चुनाव के जो प्रचार है वो थम जाएंगे, चुनावी शोर थम जाएंगे। 38 सीटों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा है। नाला की अगर बात कर ले तो माधव चंद्र महतो बीजेपी के प्रत्याशी है। जेएमएम से रविन्द्रनाथ महतो हैं। ये दोनों लोगों के बीच में कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि जनता का दुलार किसको मिलता है। हमारे सहयोगी मनोज बने हुए हैं नाला से। मनोज, दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन जनादेश है और जनता का समय है। ऐसे में जनता को ही महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। 5 साल तक सत्ता पक्ष ने राज किया है, अब जनता का राज करने का समय है। 2 दिन शेष है, क्या कुछ निर्णय? बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जनता ने मूड बनाया है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और एक काफी जिस तरह से वो साइलेंट मूड में जनता यहाँ का है, तो अब देखना है कि क्या कुछ उनका जो प्लानिंग है वो किस तरह से उनका प्लानिंग बोर्ड में तब्दील होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जनता यहाँ पर, आम जनता से हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, काफ़ी ज़्यादा कुछ समस्याओं से नाराज हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर लोग सीधे तौर से चाहते हैं कि जो नाला का विकास होना चाहिए उस तरह का नाला का विकास नहीं हुआ है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र है और खेतों में पानी की सुविधा नहीं दिया गया है खास करके। दूसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य का जो समस्या है वो भी काफ़ी बड़ी जटिल समस्या है। बताते हैं लोग कि यहाँ पर अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है। शिक्षा की व्यवस्था बताया जाए तो यहाँ पर बीएड कॉलेज का मांग था लेकिन बीएड कॉलेज का मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तीसरा चीज रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा ही, युवा वर्ग के जो हैं वो काफ़ी ही नाराज हैं और चाहते हैं कि इस बार अगर कोई भी विधायक बने तो उनको क्षेत्र के जो युवा हैं बेरोजगार हैं वो युवाओं को उनको ये रोजगार मिले। तो इन सब मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये लोग इस बार प्लानिंग किए हुए हैं कि इस बार प्लानिंग के तहत ही वो काम करेंगे। और सीधे तौर से हालांकि बता नहीं पा रहे हैं कि किसके ओर वोट जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी माधव चंद्र महतो हैं तो दूसरी ओर रविंद्र महतो हैं जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों में ही टक्कर है और लोग, जनता भी मूड बना चुकी है कि क्या कुछ करना है। लेकिन फिलहाल अगर जनता किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो वह है समस्याओं को लेकर। यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं हैं वो काफ़ी जटिल समस्या है, नहीं चाहते हैं लोग कि यहाँ पर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नाला की जनता अब समझदार हो चुकी है, हालांकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी इस वक्त नाला में मौजूद नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।